क्या करें क्या ना करें। क्या आपको भी ये दिक्कत रहती है? क्या आप भी डिसीजन लेने में थोड़े स्लो हैं? ये डिसीजन लेने के बाद आप सोचते रहते हैं यार क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। तो दोस्तों अगर आप इन सब बातों से स्ट्रगल कर रहे हैं या ये सब बातें आपको भी परेशान करती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, मैं आपका दोस्त और वीडियो का होस्ट रमेश मल्होत्रा एक बार फिर स्किलिंगो के भैया पे आपका स्वागत करता हूँ 3 steps to effective decision making के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। एक सिनेरियो देता हूं मैं आपको। एक सैटरडे नाइट है, आप अपने लिविंग रूम में हैं या बेडरूम में हैं और आप सोचते हैं आपने बढ़िया सा खाना ऑर्डर किया है, ठीक है ना, थोड़ा फैमिली एटमॉस्फेयर है आपका, और अब आप सोचते हैं कि चलिए टीवी पे या नेटफ्लिक्स पे या किसी और ओटीटी प्रोग्राम प्लेटफॉर्म पे कोई मूवी देखी जाए। बट कौन सी मूवी? क्या ये सोचने में आपको समय ज्यादा लगता है या कम लगता है, या ये डिसीजन भी आपको थोड़ा बड़ा लगता है? ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। चलो कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। कहां जाएं, क्या खाएं, किस तरह की कुजीन के लिए जाएं? ये तो मैंने थोड़ी छोटी बातें करी हैं या थोड़े इतने कॉमन एग्जांपल नहीं है, बट क्या इस तरह की दिक्कत आपको आपके करियर से लेकर पर्सनल लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ में आती है? तो मैं आपको आज यहां तीन इफेक्टिव स्टेप्स बताने वाला हूं जिससे आप डिसीजन मेकिंग आपकी आसान हो जाएगी। देखिए डिसीजन लेना अभी भी आपको ही है, बट ये स्टेप्स आपकी मदद करेंगे डिसीजन को आंकने में या डिसीजन को जज करने में कि आपका डिसीजन कितने हद तक उस प्रेजेंट सिचुएशन में ठीक है। तो स्टेप नंबर वन क्या है? इससे पहले कि मैं आपको स्टेप नंबर वन बताऊं, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। 2004 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक क्लास में, एक एमबीए क्लास में, एक प्रोफेसर ने अपने सारे स्टूडेंट्स को एक असाइनमेंट दिया कि आपके पास $5 है और आपको $5 में किसी बड़ी पर्सनैलिटी या किसी बड़ी कंपनी को इनवाइट करना है ताकि वो यहां आके स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दे सके, कम से कम 1 घंटे का। अब सभी स्टूडेंट सोचने लग गए यार $5 में कोई कंपनी कैसे आएगी, कैसे नहीं आएगी, क्या माहौल बनेगा, कैसे अप्रोच करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि विनिंग टीम ने क्या किया, मैं आपको ये बता देता हूं कि विनिंग टीम ने वो $5 भी खर्च नहीं किए और वो टीम जीत गई। कैसे? उस विनिंग टीम के स्टूडेंट जो है एक एमएनसी के ऑफिस में गए, एक बहुत बड़ी एमएनसी के ऑफिस में, उन्होंने कॉलेज के बिहाफ पे एक प्रपोजल उस कंपनी को भेजा जिसमें बोला कि आप आइए हमारे कॉलेज में और आप एक लेक्चर दीजिए। अब आप सोच रहे हैं इसमें कंपनी का क्या बेनिफिट है? कंपनी का ये बेनिफिट है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है दुनिया की टॉप की यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो उस कंपनी को अपॉर्चुनिटी दिखी कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां आके मैं स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकूं और इनको अपनी कंपनी के बारे में बता सको, और हो सकता है इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं आने वाले टाइम में रिक्रूट भी कर लूं। तो उनको लगा कि उनको यूनिवर्सिटी में एक गेटवे मिल रहा है, स्टूडेंट्स को जो उनको चैलेंज दिया गया था स्टूडेंट्स उसको एक्सेप्ट कर रहे थे और उसको फुलफिल कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ने वो जो एक कंस्ट्रेंट था $5 का उसको अपने दिमाग से निकाला, उसको उस कंस्ट्रेंट को अपने आप के ऊपर हावी नहीं दिया बल्कि उस कंस्ट्रेंट को उस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो दोस्तों यही हमारा स्टेप नंबर वन है, चैलेंज दी कंस्ट्रेंट। डिसीजन मेकिंग में बहुत जरूरी है कि आप लिस्ट डाउन कर लें कि क्या क्या कंस्ट्रेंट आपको आ रहे हैं और उन कंस्ट्रेंट्स के बियॉन्ड सोचना शुरू करें, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स आपकी इनोवेशन को रोकते हैं, आपके आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को स्टॉप करते हैं, आपके थिंकिंग प्रोसेस को हिंडर करते हैं। तो चैलेंज दी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट से बाहर आइए। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर बार आप कंस्ट्रेंट को अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, बट उन कंस्ट्रेंट्स के दायरे में मत रहिए। हाँ, यहां पे एक वार्निंग साइन ये भी है कि डोंट ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ। आपको अपनी एबिलिटीज का पता रहना चाहिए, उसी हिसाब से आप कंस्ट्रेंट्स को चैलेंज करिए। बट सबसे बड़ा पॉइंट यहां पर यही है डिसीजन मेकिंग में कि चैलेंज दी कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है
उसको बताने से पहले भी एक छोटी सी स्टोरी, एक थोड़ा सा किस्सा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। अक्सर हम ये देखते हैं कि ये डिसीजन से हमें क्या सक्सेस मिलेगा, या डिसीजन कितना सक्सेसफुल रहेगा या कितना फायदेमंद रहेगा। फेलियर को भूल जाते हैं कि ये डिसीजन अगर ठीक नहीं बैठा तो ये डिसीजन हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। अगर ये डिसीजन ठीक नहीं बैठा तो फेलियर की कॉस्ट क्या चुकानी पड़ेगी हमें। तो यही हमारा स्टेप नंबर टू है, यही हमारा पॉइंट नंबर टू है, एम्ब्रेस अ प्रीमॉर्टम। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं, जितने भी आइडियाज आपके दिमाग में है, उनको कंप्लीटली एनालाइज आप कर लीजिए। जी हाँ, कि उनके पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, अगर सक्सेस रहेगा तो क्या रहेगा, फेलियर रहेगा तो क्या रहेगा। इस बारे में एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। वापिस जाते हैं हम थोड़ा 18वीं शताब्दी में, जब अंग्रेज भारत आए थे और भारत पे अपना साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहे थे, तो एक बड़ी पिक्यूलियर प्रॉब्लम उनको सामने आई। वो ये आई कि दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में काफी उनको कोबरा सांप पाए जा रहे थे, जो काफी डेडली थे और जिस वजह से उनका काफी नुकसान हो रहा था। तो उन्होंने एक स्कीम अनाउंस करी कि जो भी पकड़ पड़ के कोबरा सांप को मारेगा या कोबरा को कम करेगा या कोबरा की गिनती कम करेगा जो इंसान, उसको वो कुछ अनुकूल इनाम देंगे। अब स्कीम तो उन्होंने अनाउंस कर दी, बट उन्होंने टोटल इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं बिठाए। हुआ ये कि जितने भी नेचुरली वहां पे कोबरा थे वो सब तो खत्म हो गए, बट लोगों ने क्या किया, कोबराज की ब्रीड करा के कोबरा पैदा करने स्टार्ट कर दिए और कोबरा लेके जाते थे कि साहब देखो ये कोबरा हमने मारा है, और फिर इनाम लेके आ जाते थे। तो जब फाइनली अंग्रेजों को ये समझ में आया कि यार ये तो जरूरत से ज्यादा ही कोबरा मर रहे हैं, तो उन्होंने फिर वो स्कीम विड्रॉ करी और उस बात को एनालाइज किया और इससे सबक लिया कि भैया किसी भी डिसीजन को लेने से पहले उसके पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोज और कॉन्स दोनों सोच लेने चाहिए। तो यही मैं आपसे भी कह रहा हूं, ठीक है डिसीजन सब सक्सेस के लिए लेते हैं, बस डिसीजन के थ्रू कुछ फेलियर भी हो सकता है, या डिसीजन कामयाब नहीं हुआ तो फेलियर में क्या रहेगा, इस बात को जरूर एनालाइज करें। तो पॉइंट नंबर टू मेरा यहां पे ये है, एम्ब्रेस अ प्रीमॉर्टम। जी हां, अब आते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर थ्री पे। इसके लिए भी मैं आपसे एक स्टोरी शेयर करूंगा, एक एग्जांपल शेयर करूंगा। 1999 में नासा ने एक मिशन लॉन्च किया था जिसमें उसने मार्स के क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए डिसाइड किया कि वो कुछ स्पेस शटल जो है भेजेगा जिससे ये प्रोजेक्ट हो सके, और दो अलग अलग टीम इसमें काम कर रही थी। और फाइनली जब उन्होंने ये स्पेस शटल भेजा, सैटेलाइट भेजा, तो वो क्रैश कर गया। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार इतनी हमने तैयारी करी, इतने हमने डॉलर इस पे स्पेंड करे, लगभग $5 मिलियन इस पूरे प्रोजेक्ट पे जो है स्पेंड हुए, तो प्रोजेक्ट चला क्यों नहीं, गलती कहां हो गई। गलती बहुत ही सिंपल थी, दो टीमें जो इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही थी अलग अलग, उन्होंने सारी कैलकुलेशंस के जो यूनिट्स लिए थे वो यूनिट्स दो अलग अलग फैमिली से ले लिए। एक जो है मेट्रिक कैलकुलेशंस कर रही थी, मतलब मीटर, सेंटीमीटर, ग्राम, किलोग्राम में सारी कैलकुलेशन कर रही थी। दूसरी टीम जो है इंचेस और पाउंड में कर रही थी। अब यहां मैं आपसे रॉकेट साइंटिस्ट की बात कर रहा हूं, बहुत बड़े और बहुत ही पढ़े लिखे लोग, बट उनकी एक छोटी सी गलती से पूरा का पूरा ये मिशन जो है खत्म हो गया, कैटास्ट्रोफिक हो गया, नुकसान हो गया। बड़ी बड़ी बातों पर तो उन्होंने ध्यान दे दिया, बट छोटा सा बेसिक भूल गया कि भैया दो टीम जो काम कर रही है दोनों का यूनिट जो है सेम होना चाहिए। तो यहां तीसरा पॉइंट निकल के आता है, चेक द बेसिक्स। हम अक्सर डिसीजन मेकिंग में बड़ी बड़ी बातों पे डिसीजन लेते समय बड़े बड़े कंस्ट्रेंट्स को, बड़े बड़े पॉइंट्स को ध्यान में रहते, छोटे छोटे पॉइंट भूल जाते हैं। यदि आप दाल बना रहे हैं तो दाल बनाते हैं, आप दाल डालना नहीं भूलेंगे, नमक डालना जरूर भूल सकते हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं, जो तीसरा पॉइंट है, चेक द बेसिक्स। सारे बेसिक्स को एनालाइज कर लीजिए, बेसिक्स को चेक कर लीजिए, ताकि आपको सही रहे कि आपका डिसीजन जो है सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो तीन पॉइंट दिया, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, तीन स्टेप जो आपको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेंगे, वो है चैलेंज द कंस्ट्रेंट्स, सारे पॉइंट्स को एनालाइज कर लीजिए, सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह समझ लीजिए,
और कंस्ट्रेंट को कोशिश करिए अपॉर्चुनिटी में बदलने की। नहीं कर सकते तो कंस्ट्रेंट को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, उस कंस्ट्रेंट को अपनी एबिलिटी के हिसाब से आप हैंडल करने की कोशिश करिए। पॉइंट नंबर टू, एम्ब्रेस दी प्री मॉर्टम। सक्सेस के साथ साथ फेलियर के केस में क्या होगा इसको भी एनालाइज कर लीजिए। जितने भी ऑप्शन है उनके प्रोज एंड कॉन, पॉजिटिव नेगेटिव इंप्लीमेंट करने से पहले डिटेल में स्टडी कर लीजिए। और पॉइंट नंबर थ्री, चेक द बेसिक्स। बेसिक्स को मत भूलिए, बेसिक पे हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर छोटी छोटी बातें ही हैं जो डिसीजन गलत करती हैं, बड़ी बातें तो हम हैंडल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहां तीन पॉइंट मैंने आपसे डिस्कस किए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, हमारे बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोस और आपको मिलते रहें। स्किलिंग यू की ओर से धन्यवाद।